मित्रों, मैं आपको वेलकम करता हूं ये वेबकॉन में, जो कि सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑन अल्सर एसिडिटी थेरेपी पर है। हमारे पास बहुत अच्छा गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, जो अपनी टॉक्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कोई भी जो डाउट्स होंगे उसको हम करेंगे, और कुछ क्वेश्चन एंड आंसर जो मुझे लगते हैं रेलिवेंट हैं सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ अल्सर मैनेजमेंट एंड एसिडिटी मैनेजमेंट हो सकते हैं। एक तो जो एनसेट से जीआई गट के साइड इफेक्ट्स हैं उस पर बात हो सकती है, किडनी डैमेज के ऊपर आजकल बहुत चर्चा है, एंटीबायोटिक्स के साथ क्या इनका इंटरेक्शन है और कितने टाइम तक हम अल्सर थेरेपी दे सकते हैं, क्या एक पीपीआई ओमेप्राजोल पेंटाप्राजोल से सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, कौन सी बेटर है, क्या उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, क्या एविडेंस है, इस पर बात होगी, और कितने ड्यूरेशन तक हम इसको दे सकते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और क्या हम मैकेनिज्म प्लेस में रखें जो हमारे पेशेंट्स को किडनी डैमेज एक्सेट्रा जो डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं उनसे बचा सके। दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील प्रकाश हूं, मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्विस बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में कार्यरत हूं। आज के इस वेबिनार में हम लोग चर्चा करेंगे कि पीपीआईज जो हैं इनका किडनी के ऊपर क्या खराब दुष्प्रभाव है। हमें सबको पता है कि पीपीआईज जो हैं ये कॉमनेस्ट यूज प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, दुनिया भर में इनकी यूसेज बहुत हाई है। तो इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पीपीआई काम कैसे करते हैं। पीपीआई जब हम लेते हैं तो स्टमक में ये एब्जॉर्ब होके पैराइटल सेल्स में जाके उनके कैनालिकुलाई में बैठते हैं और ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को सेल लेवल पे ब्लॉक कर देते हैं, तो हाइड्रोजन यानी कि एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। तो बेसल यानी कि खाली पेट एसिड का सिक्रीशन, जब आपका पेट 12 घंटे रात भर का खाली है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसको कम करने के लिए, और उसके बाद खाना खाने के बाद या मैक्सिमल एसिड सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक एसिड सिक्रीशन खाने के बाद या कुछ गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन के बाद होता है, उसको भी ये कम करते हैं। तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके ये अपना इफेक्ट लाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रो ड्रग्स हैं, यानी कि जिस वक्त ये ड्रग दी जाती हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, जब ये अंदर चली जाती हैं तब ये एब्जॉर्ब होके एसिड से कॉन्टैक्ट में आके ये एक्टिव बनती हैं। तो इसीलिए इनको जिलेटिन कैप्सूल फॉर्म में दिया जाता है ताकि ये रिलीज हो और उसके बाद ये एक्टिव होती हैं। हमें ये अब देखना है कि पीपीआईज का यूसेज इतना कैसे बढ़ा। 1979 में सबसे पहले ओमेप्राजोल आई और सबसे ज्यादा लंबे टाइम से ये यूज ड्रग है। ओमेप्राजोल के आने से पहले, ओमेप्राजोल के प्रादुर्भाव से पहले स्टमक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडनल अल्सर, एसिड पेप्टिक डिजीज, ईसोफेजाइटिस, सब की सब जो हैं एसिड सिक्रेटिंग डिजीजेस से इनके इलाज सर्जिकल होते थे। बहुत दफे वेगोटमी, टोटल वेगोटमी, सिंपल वेगोटमी, सेलेक्टिव वेगोटमी और गैस्ट्रेक्टमी यानी पेट को काट के दोबारा से जोड़ना पड़ता था, और बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी जैसे गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी वगैरह करनी पड़ती थी। ये काफी डेबिलिटेटिंग यानी काफी बड़ी सर्जरीज होती थी और इनके काफी साइड इफेक्ट्स और मोबिलिटी पेन एक्सेट्रा भी होते थे। लेकिन जब से पीपीआईज का प्रादुर्भाव हुआ, इन सर्जरीज को बिल्कुल खत्म सी हो गई हैं, बहुत ही रेयर हो गई हैं ये होना। तो इतना बड़ा चेंज, सी चेंज किया है पीपीआईज ने थेरेपी में। तो जब इतने मास इफेक्ट में कोई ड्रग्स लिखी जाती हैं तो वाजिब है कि उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। तो अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। रिसेंट ईयर्स में लिटरेचर में जो साइड इफेक्ट्स पीपी के अगेंस्ट एक्रू हुए हैं वो किडनी डैमेज है, जो कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, हाइपोमैग्नीसीमिया वाकई एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और निमोनियाज हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स हैं, B12 डेफिशिएंसी एक्सेट्रा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं साइड इफेक्ट्स इनके में पीपीआईज इम्प्लीकेट हुए हैं। अब सबसे पहले मैं स्पेशली एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, हम किडनी के डैमेज की बात करेंगे। मित्रों, ज्यादातर जो पब्लिकेशंस हैं वो केस रिपोर्ट्स हैं, एनेक्डोटल हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं या रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि वो डेटा
जो पेशेंट के इलाज के बाद उनके केस रिकॉर्ड्स को पीछे से देख के स्टडी किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टडीज होती हैं वो होती हैं प्रोस्पेक्टिव, यानी जो फ्यूचर में जिनके साइड इफेक्ट्स आए आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो प्लेसिबो यानी कि ना काम करने वाली एक ऑर्डिनरी ड्रग से कंपेयर करें, जिसे हम लोग डबल ब्लाइंड या क्रॉसओवर ट्रायल कहते हैं या कंपैरेटिव ट्रायल कहते हैं, वो ऐसे ट्रायल्स पीपीआई ओमिप्रजोल वगैरह पे नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रायल्स जो हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं और ये इम्प्लीकेट करती हैं। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्च, मेटा एनालिसिस और डेटा बेसिस जो पबमेड बेसिस हैं और बहुत सारे बेसिस हैं, इनमें देख के जो सबसे बड़ा एनालिसिस है वो यांग एट अल की है जो जनवरी 19 में पब्लिश हुई। उन्होंने 4,78,000 पेशेंट्स का डेटा पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाया है। एक ग्रुप में 6,690 पेशेंट्स जो पीपीआई पे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीआई, और बाकी 4,06,000 पेशेंट जिन्होंने पीपीआई नहीं खाई। सो ऑल्दो डेटा का ग्रुप्स का साइज फर्क है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर 6,690 पेशेंट्स जिन्होंने पीपीआई खाई। यहां पर डेफिनेशन यांग एट अल ने यह बताई पीपीआई वाले ग्रुप की कि जिन्होंने एटलीस्ट 180 दिन यानी 180 डेज ड्रग खाई उनको उन्होंने पीपीआई ग्रुप में रखा, यानी किसी ने 180 डेज ड्रग खाई तो उसको उन्होंने रखा और उसके बाद उन्होंने उसको स्टडी किया। यांग एट अल ने मल्टीवेरिएबल एनालिसिस सीआर एडजस्टमेंट के बाद यह पाया कि ओमिप्रजोल उनके पेपर में सबसे सेफ थी। उसका हैजार्ड रेशो यानी डैमेज करने की क्षमता 0.8 थी, पेंटाप्रजोल की 1.56, रेबीप्रजोल की 1.8, एस्मोप्रजोल की 2.0 थी। तो उनके हिसाब से ओमिप्रजोल सबसे सेफ ड्रग थी और ये 6,690 पेशेंट्स का डेटा था। अब इसके पॉसिबल जो रीजंस इम्प्लीकेट किए गए वो ये बताए गए हैं कि ओमिप्रजोल का एरिया अंडर द कर्व सबसे कम है कंपेयर टू पीपीआई, पेंटाप्रजोल एंड एस्मोप्रजोल। लोग जो है जो नई ड्रग्स हैं उसको इसलिए भी ज्यादा लिखते हैं कि उनको ये बताया जाता है कि ये ड्रग बड़ी पावरफुल हैं और इनका एरिया अंडर द कर्व बहुत हाई है, बट पॉसिबली हमें बहुत हाई एरिया अंडर द कर्व वाली ड्रग चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि पीपीआई जो है एक घंटे भी अगर अपने लेवल को मेंटेन करती है तो इट सिक्रीट्स द एसिड सिक्रीशन को वो स्विच ऑफ कर देती है 16-17 आवर्स के लिए, एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस कर देती है 16-17 आवर्स के लिए। सो यू डू नॉट नीड अ ड्रग टू मेंटेन वेरी हाई लेवल्स टू ब्रिंग इट्स इफेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज ऑल्सो दैट द अवेलेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व ऑफ ओमिप्रजोल इज लेस एंड पीकेए ऑफ ओमिप्रजोल इज 4.1 एंड पेंटाप्रजोल इज 3.86। सो पॉसिबली दीज इफेक्ट्स एज ऑल्सो द क्लियरेंस इज फास्टर that brings the effect which are comparable but possibly the side effects are low. एक और बड़ी स्टडी सुप्रान स्टडी है, ये भी काफी बड़ी मेटा एनालिसिस है और इस स्टडी में 5 से 12 साल तक पीपीआईज का यूसेज हुआ है और इन्होंने बताया है कि कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है पीपीआईज के एंड दे हैव ऑल्सो सेड दैट ओमिप्रजोल इज परहैप्स वेरी सेफ। चूंकि ज्यादातर पेपर जो है रेट्रोस्पेक्टिव हैं या केस रिपोर्ट्स हैं या एनेक्डोटल हैं, लिटरेचर सर्च और मेटा एनालिसिस और सब मेडस्केप वगैरह देखने पे सबसे बड़ी जो स्टडी है वो सियरा सोलिस की है और उन्होंने 1970 से 2006 तक का डेटा इकट्ठा किया है और उन्होंने ये पाया कि 60 केसेस उनको मिले एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के और इन केसेस में एवरेज एज पेशेंट्स की 76 ईयर्स थी। इन 60 केसेस में 59 केसेस बाय द एंड ऑफ 36 वीक्स 36 हफ्तों बाद वो पेशेंट्स इम्प्रूव हो गए, लेकिन एक पेशेंट बराबर लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस पे रह गया। मकुंड्स एट अल की एक और बड़ी स्टडी है, इन्होंने भी डिफरेंट पीपीआईज को स्टडी किया है। दे हैव ऑल्सो फाउंड ओमिप्रजोल टू बी द सेफेस्ट। ओमिप्रजोल को WHO ने भी मान्यता दी है और WHO की सेफ ड्रग्स की लिस्ट में यह है। इन माई प्रैक्टिस वी हैव हैड टू पेशेंट्स इन विच देयर वॉज अ ड्रग एक्सपोजर एंड वी डिड अ किडनी बायोप्सी, हमने किडनी बायोप्सी करी और उनमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस थी, लेकिन हम पूरे तौर पे ये नहीं कह पाए कि ये पीपीआई से थी क्योंकि वो और भी ड्रग्स खा रहा था, वो वोवरॉन और भी कई ड्रग्स खा रहा था, एंटीबायोटिक्स भी खा रहा था। एक फेब्राइल इलनेस हुई तो उसमें एंटीबायोटिक्स, एनसेट्स और पीपीआई उसको प्रिस्क्राइब किए गए। उनके साथ जब हम पीपीआई भी देते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता कि
कौन क्या डैमेज कर रहा है। प्रिकॉशन का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मरीज को बोलें कि वो लंबे समय तक अनअटेंडेड या पीपीआई या एनसेड या कोई दवा ना खाए। लंबे टाइम से खाने के लिए साइड इफेक्ट्स आते हैं और दवा को बुरा नाम मिलता है। नंबर दो, हमें पीरियोडिकली अपने पेशेंट्स के, खास तौर से अगर वो डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, 50 साल से ज्यादा उनकी अवस्था हो, तो हमें उनका सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया या क्रिएटिनिन क्लियरेंस कर लेना चाहिए। आई थिंक टुडे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिंग और वर्सनिंग किडनी डैमेज जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन के आधार पर है। तो फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन क्लियरेंस 6 महीने साल में एक दफे कर लें, सीरम क्रिएटिनिन कर लें या सिस्टेटिन कर लें, इनमें से कुछ भी कर लें तो सेफ्टी पता रहेगी, सेफ्टी नेट पेशेंट के ऊपर रहेगा। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ रावल, जेपी हॉस्पिटल नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूं। एनसेड या बुखार और दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां एसिडिटी का कारण बन सकती हैं। एनसेड्स द्वारा होने वाली एसिडिटी से बचाव कैसे करें? एनसेड्स गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि टॉपिकल इरिटेशन के वजह से नुकसान पहुंचाना, गैस्ट्रिक म्यूकोजा का ब्लड सप्लाई घट जाना, उसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस के बनने की क्षमता को कम कर देना और गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदरूनी सतह के ऊपर घाव से रोकथाम करने की क्षमता को कम कर देना। अच्छा पेशेंट टॉलरेंस, सेफ्टी और बेहतरीन एसिड सप्रेशन प्रॉपर्टीज ही पीपीआईज के सफलता का मुख्य कारण है। विभिन्न स्टडीज में अलग अलग पीपीआईज जैसे कि पैंटोप्राजोल, रैबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल पीपीआईज के सेफ्टी और एफिकेसी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया गया है। ओमेप्राजोल एकमात्र पीपीआई है जिसको WHO की एसेंशियल मेडिसिन की सूची में शामिल किया गया है। अनेक स्टडीज के मेटा एनालिसिस से ये पता लगा है कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि रैनिटिडीन और फैमोटिडीन हाई डोजेस या सामान्य डोजेस पर ड्यूओडेनल अल्सर्स के रिस्क को कम कर सकते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सबसे ज्यादा प्रचलित दवाई रैनिटिडीन है। USFDA ने फार्मा कंपनीज को रैनिटिडीन को बनाने और बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। सितंबर 2019 में शुरू हुई जांच का ये नतीजा निकला कि रैनिटिडीन में NDMA यानी एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलमीन नाम का कैंसर करने वाला पदार्थ मिलावट के रूप में पाया गया है। USFDA के बाद यूरोपियन मेडिकल एजेंसी और CHMP ने भी पूरे यूरोप में रैनिटिडीन के उपयोग पर रोक लगा दी है। जांच में यह भी स्पष्ट हो गया है कि सामान्य से ज्यादा तापमान पर रखने से या ज्यादा समय के लिए रखने से नॉर्मल मात्रा से कई ज्यादा मात्रा में NDMA उत्पन्न हो सकता है। पीपीआईस के एसिडिटी रोकने की क्षमता सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सीधा एसिड पंप को ब्लॉक कर देते हैं। पीपीआईस का बायोकेमिकल इफेक्ट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से बेहतर है क्योंकि ये गैस्ट्रिक पीएच को 4 के ऊपर 21 घंटे तक बनाए रख सकते हैं, जबकि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सिर्फ 8 घंटे तक ही ऐसा कर पाते हैं। इसके अलावा पीपीआईस पोस्टप्रांडियल और नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक पीएच को कंट्रोल करने में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से कई ज्यादा प्रभावी हैं और क्लिनिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में 3 से 5 दिन में टैकीफाइलैक्सिस की समस्या देखी जा सकती है। इसका अर्थ है कि दवाई का असर कम हो जाता है जिसके वजह से उसकी डोज बढ़ानी पड़ सकती है, यानी कि जिन लोगों में लंबे समय के लिए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दी जाती है उसमें दवाई का असर आधा या उससे भी कम रह जाता है। चेन एट अल द्वारा की गई एक स्टडी में देखा गया है कि ओमेप्राजोल की तुलना में फैमोटिडीन लेने वाले मरीजों में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स दुगने रेट पर देखे गए हैं। इन स्टडीज से यह साबित हुआ है कि रेकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स और इरोजन्स के ट्रीटमेंट में फैमोटिडीन के मुकाबले ओमेप्राजोल 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अन्य एंटी अल्सर दवाइयों के मुकाबले में ओमेप्राजोल की पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट टॉलरेंस और एसिड सप्रेशन क्षमता को सबसे बेहतर पाया गया है।
WHO द्वारा निर्धारित जरूरी दवाइयों की सूची में भी ओमिप्राजोल को शामिल किया गया है। इस वजह से एनसेड से होने वाली एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन ओमिप्राजोल बन जाती है। लंबे समय तक एनसेड्स लेने वाले मरीजों में प्लेसिबो की तुलना में 20 मिलीग्राम रोजाना ओमिप्राजोल लेने से अल्सर्स में 80% तक की कमी देखी गई है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि फैमोटिडीन की तुलना में ओमिप्राजोल को थेरेपी में कम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स पाए गए हैं। ओमिप्राजोल रिकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स और इरोजन्स के भी बचाव में अधिक कारगर है। थैंक यू। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनल मेहरा, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट, जेपी हॉस्पिटल, नोएडा। एंटीबायोटिक्स से अक्सर देखा गया है कि एसिडिटी होती है, तो इन एंटीबायोटिक्स इंड्यूस्ड एसिडिटी का हम कैसे उपचार करें, आज हम ये डिस्कस करेंगे। आमतौर पर दवाइयों से ईसोफेजियल म्यूकोजा पे होने वाले डैमेज की वजह से ईसोफेजाइटिस होता है। इन पेशेंटों को जो लक्षण आते हैं वो जिस प्रकार की एसिड रिफ्लक्स या खाना निगलने में परेशानी, जिसे कि कहते हैं डिसफेजिया, या दर्द होना खाने निगलने में, जिसे कहते हैं ओडाइनोफेजिया, इस प्रकार के पेशेंट्स लक्षण बताते हैं। ये पहली बार 1970 में पेम्बर्टन द्वारा रिपोर्ट करा गया, जब एक पेशेंट ने पोटेशियम क्लोराइड, जिसे कि KCL की टैबलेट्स खा ली, जिसके कारण ईसोफेजियल अल्सर पाया गया। दवाइयां एसिडिटी या एल्कलाइन वातावरण बनाकर एसिडिटी का इफेक्ट, जिसे कि कॉस्टिक इफेक्ट, प्रोड्यूस करती हैं। दवाइयों से होने वाले ईसोफेजाइटिस स्वयं ठीक हो सकती है, परंतु अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसके कारण ईसोफेजियल और गैस्ट्रिक अल्सर, परफोरेशन और किसी किसी पेशेंट में स्ट्रिक्टर जैसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स भी इस ईसोफेजाइटिस की स्थिति को बढ़ा सकता है। दवा से होने वाले ईसोफेजाइटिस की पैथोजेनेसिस में डायरेक्ट इरिटेंट इफेक्ट और साइटोप्रोटेक्टिव बैरियर्स का डिसरप्शन शामिल है। रिसर्चर्स का कहना है कि लंबे समय तक अगर यह ईसोफेजियल म्यूकोजा इरिटेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है तो इसके कारण ईसोफेजियल म्यूकोजा में डैमेज हो सकता है। ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वाली ड्रग से हो सकता है। दूसरी ड्रग्स जैसे कि अमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और रिफैक्सिमिन, इन सारी दवाइयों से भी ड्रग इंड्यूस्ड ईसोफेजाइटिस पाया जाता है। टेट्रासाइक्लिन ले रहे 40 मरीजों पर एक क्लिनिकल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी गई थी, जिसके बाद ये देखा गया था कि इन दवाइयों लेने के बाद ईसोफेजियल अल्सर सभी में पाया गया है। अन्य दवाइयों के कंपैरिजन में जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स होती हैं, उनमें देखा गया है कि इरिटेंट इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार जेलेटिन कैप्सूल से भी ईसोफेजाइटिस होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ये जेलेटिन कैप्सूल्स ईसोफेजियल म्यूकोजा पे चिपक जाती हैं। इनका चिपकने का कारण ये है कि इनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। ऑल्सो ये चिपकने के कारण एक मैकेनिकल प्रेशर प्रोड्यूस करती है ईसोफेजियल म्यूकोजा पे, और धीरे धीरे जो ड्रग रिलीज होता है उसके केमिकल इफेक्ट्स पे एक ही जगह पे ईसोफेजियल म्यूकोजा में इंजरी पाई जाती है। जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोफेजियल इफ्रक्स डिसीज और गैस्ट्राइटिस में यूज होती हैं, वो होती हैं एंटासिड्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एंटासिड्स पेप्टिक अल्सर्स को ठीक करने में बढ़ावा देते हैं। इसके दो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो ये गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक सिक्रीशन दोनों को ही कम कर देते हैं, जिसके कारण एसिडिटी के लक्षण कम हो जाते हैं। परंतु ये देखा गया है कि ये कुछ दवाइयों के अब्सॉर्प्शन में भी बाधा डालते हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन, आयरन और टेट्रासाइक्लिन्स। एंटासिड्स दिन में 5 से 7 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, और वर्तमान समय में एंटासिड्स के बदले एसिड सप्रेसिव थेरेपी का अब ज्यादा यूज करा जा रहा है। एंटासिड्स अब कम समय वाले लक्षणों की राहत के लिए यूज करा जा रहा है। H2 ब्लॉकर्स जैसे कि रानिटिडीन, फेमोटिडीन और सिमेटिडीन हिस्टामिन के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं, जिसके कारण गैस्ट्रिक इंड्यूस्ड एसिड सिक्रीशन को ये कम करते हैं। इसी वजह से गैस्ट्रिक जूस बनने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। H2 ब्लॉकर्स अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है, और देखा गया है कि 30-60 मिनट्स में ही इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन चालू होने लगता है और मैक्सिमम इफेक्ट 1 से 2 घंटे में आ जाता है। रानिटिडीन ओरल, IV एंड ओवर द काउंटर
यूएस मार्केट्स और काफी अन्य देशों में से मार्केट से हटाया गया है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जिसे कि NDMA एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलमीन जो कि एक ह्यूमन कार्सिनोजेन है वो अधिक मात्रा में पाया गया है। सिमेटिडीन और फेमोटिडीन में NDMA नहीं है और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में भी NDMA की मात्रा नहीं पाई जाती है। गर्ट के मरीजों में H2 ब्लॉकर्स अब ज्यादातर दर्द के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। अल्सर्स के केसेस में H2 ब्लॉकर्स के बदले प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं। 1989 में ओमेप्राजोल के इंट्रोडक्शन के बाद एसिडिटी संबंधित रोगों में प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स मुख्य रूप से यूज करे जाते हैं। अन्य दवाएं जैसे कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स के कंपैरिजन में प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स बेटर पेशेंट टॉलरेंस, ज्यादा पेशेंट सुरक्षा और एसिड सप्रेसिंग कैपेसिटी भी बेहतर रखते हैं। ओमेप्राजोल अन्य PPI की तुलना में आधे घंटे में पीक प्लाज्मा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम पैंटोप्राजोल देखते हैं तो वो 2 घंटे में पीक प्लाज्मा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एसओमेप्राजोल 1.5 घंटे में पीक प्लाज्मा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर और ड्रग स्टैटिस्टिक्स मेथोडोलॉजी के अनुसार गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के उपचार में ओमेप्राजोल 20 mg का असर 30 mg एसओमेप्राजोल, 40 mg पैंटोप्राजोल और 30 mg लैंजोप्राजोल के बराबर है। 24 घंटे के लिए गैस्ट्रिक pH 4 से अधिक बनाने के लिए ओमेप्राजोल को 37.7 mg जैसी स्मॉल डोज लगती है और पैंटोप्राजोल को 166 mg पर डे जैसी बिग डोज लगती है। मीन 24 आवर गैस्ट्रिक pH पर निर्भर पैंटोप्राजोल की रिलेटिव पोटेंसी 0.23 है और वही ओमेप्राजोल की 1 है जो कि पैंटोप्राजोल से 4.34 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है। रिसर्च स्टडी से पता चलता है कि रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस के ट्रीटमेंट में ओमेप्राजोल की जो दवाई है वो 11 साल तक भी पेशेंट्स में काफी इफेक्टिव और सेफ और टॉलरेबल पाई गई है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के मेंटेनेंस में क्लिनबर्ग नॉल एटाल ओमेप्राजोल के प्रभाव और सुरक्षा के बारे में बताते हैं। ओमेप्राजोल गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बार बार होने को रोकता है, उसी प्रकार वो पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, सेफ और इजिली टॉलरेबल पाया गया है। ओमेप्राजोल एकमात्र ऐसा PPI है जो कि WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में एंटासिड्स और एंटी अल्सर के ट्रीटमेंट में शामिल है। PPI में एसिड प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक मात्रा में है क्योंकि ये डायरेक्ट ही एसिड पंप को ब्लॉक करते हैं। PPI का बायोकेमिकल इफेक्ट H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये गैस्ट्रिक pH को 4 के ऊपर 15 से 21 घंटे तक बनाए रखते हैं और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट 8 घंटे तक ही गैस्ट्रिक pH को 4 के ऊपर रखते हैं। इसके अलावा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स पोस्ट प्रांडियल जिसे कि खाना खाने के बाद के pH और रात के pH जिसे कि नॉक्टर्नल गैस्ट्रिक एसिड pH को भी अधिक मात्रा में H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से बेटर कंट्रोल करते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के 3 से 5 दिन के इस्तेमाल में टैकीफाइलेक्सिस की समस्या भी देखी जाती है और देखा गया है कि बहुत लंबे समय तक अनुसार यूज करने पे इसका इफेक्ट भी आधा हो जाता है। इसका निष्कर्ष ये है कि ओमेप्राजोल अन्य एंटी अल्सर दवाइयों के कंपैरिजन में बेटर पेशेंट सेफ्टी मतलब पेशेंट की सुरक्षा, बेटर पेशेंट टॉलरेंस और एसिड सप्रेसिंग कैपेसिटी भी अधिक है। WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी ओमेप्राजोल का ही नाम शामिल है। इसी वजह से ओमेप्राजोल एंटीबायोटिक से होने वाली एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। मैं भी अपने पेशेंट्स में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि ओमेप्राजोल प्रेफर करती हूँ। धन्यवाद।